हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार वेलकम करते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए हम लोग देखते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग लिखते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो हम लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं कि रिकमेंडेड बाय अल्फ्रेड वर्नर। किसको रिकमेंडेड किए हैं? तो आईयूपीएसी नेम को। अगला हम लोग लिखे हैं फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और अगला हम लोग क्या जानते हैं कि आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए बहुत सारा रूल होता है जिसको हम लोग एक एक करके फॉलो करेंगे और आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सीखते चलेंगे। तो आइए पहला रूल हम लोग क्या देखते हैं। फर्स्ट रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म ऑफ सिंपल मेटल। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, के फोर एफ सी एन होल सिक्स। तो इसका हम लोग आईयूपीएसी नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम यहां से यहां लिखेंगे, हेक्सा साइनो इसको कहते हैं, साइनो फेरेट टू, और ये जो टू आया इसका ऑक्सीडेशन नंबर को हम वहां टू लिख दिए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं दूसरा पॉइंट। अब ये दूसरा रूल हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इन केस ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ एन आयनिक लिगेंट वी थिंक ए टू पॉइंट। इसका भी जो दूसरा रूल हम आपको बता रहे हैं उसका भी दो रूल है और दो रूल हम लोग को फॉलो करना है। तो पहला रूल हम लोग को क्या बतलाता है, बतलाता है दैट द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम ऑफ एन आयन इज आई डी, क्या लिखेंगे, आई डी, देन इट इज रिप्लेस्ड बाय वो। इसको हम लोग हटा करके क्या करेंगे, वहां वो को लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग क्या चलेंगे, मान लीजिए हम लोग इधर एनायनिक लिगेंड को लिखे हैं, इधर इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाम लिख रहे हैं। जैसे ये हो गया हम लोग का क्या, क्लोरो, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरो एनायनिक है, क्लोरीन एनायनिक है यहाँ, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोरो, या फिर इस क्लोरो को हम लोग क्या यहाँ जोड़ देंगे, आयरिडो। जैसे इसी तरह से ब्रोमिन, तो ब्रोमियो या ब्रोमिडो, फ्लोरिन को हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लोरो या फ्लोरिडो। इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रिडो हाइड्रिडो और ओक्जा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्साइडो। ये रूल नंबर टू का हम पहला नियम आपको बताए हैं, अब इसी का हम दूसरा नियम आपको बता रहे हैं, अब बने रहिए मेरे साथ। अब हम लोग क्या देखेंगे, बी, उसी का दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दूसरा रूल देखते हैं। इफ द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम ऑफ एन आयन इज आइदर, क्या लगाएंगे, आई टी ई के जगह में, या फिर रहेगा वहां ए टी ई, तो ये दोनों के जगह अगर रहता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे। जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम क्या लिखे हुए हैं, आपका सीओ थ्री टू माइनस को हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेटो, एसओ फोर टू माइनस को हम लोग क्या करते हैं, सल्फिटो, और एसओ थ्री माइनस को हम लोग क्या करते हैं, सल्फिटो। तो इस तरह से हमको क्या करना है, सारे नियम को हमको याद करना है। अब अगला पॉइंट हम क्या लिखे हैं, अगला रूल हम क्या बता रहे हैं आपको, इन केस ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड वी राइट आई यू एम एज लास्ट वर्ड में, क्या जोड़ देंगे हम लोग, आई यू एम जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन एस टू और यहां अगर आ जाएगा एन एस थ्री प्लस, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजोनियम। और जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लिखे हुए हैं, एनओ टू प्लस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोनियम, क्या कहेंगे, नाइट्रोनियम। इसी तरह से हम आपको आगे बताएं, तो दूसरा रूल हम लोग में क्या देखेंगे, इफ टू और मोर देन टू सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन वी हैव यूज्ड परफिक्स और नंबर ऑफ लिगेंड्स। जैसे हम यहाँ लिखे हुए हैं क्या, नंबर ऑफ लिगेंड्स, और इधर लिखे हैं परफिक्स। अगर दो सेम होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, अगर दो रहेगा तो डाई लिखेंगे, तीन रहेगा तो ट्राई लिखेंगे,
चार रहेगा तो टेट्रा लिखेंगे, और पांच रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटा लिखेंगे एक्सेट्रा। इसी तरह से हम आगे लिखते हुए चलेंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं, तो इफ लिगेंड ऑलरेडी कंटेन डाई ट्राई टेट्रा इटीसी लेटर इन ईच नेम लाइक, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यदि डाई ट्राई और टेट्रा अगर पहले ऑलरेडी यदि उसके पास है लिखा हुआ तो हम लोग क्या लेटर में लिखते हैं इसको, जैसे लिखते हैं इथिलीन डाइएमीन और क्या लिख सकते हैं डाइपाइरिडीन, इस तरह से हम लगा करके आगे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे, देन यूज परफिक्स, तो इसका परफिक्स जो हम यूज करेंगे कैसे करेंगे, अगर दो रहेगा तो बीस, जैसे पहले हम लोग इस टाइप का लिखा करते थे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर दो रहेगा तो बीस, तीन रहेगा तो तीस और चार रहेगा तो टेट्राकिस। इस तरह से हम आपको अगला एग्जाम्पल बताएंगे, अगला पॉइंट बताएंगे, आप बने रहिए मेरे साथ करेंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखे हुए है, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक देन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल इज रिटेन विथ लास्ट वर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये टी ई का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर हो गया तो कॉपरेट, आयरन हो गया तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग फेरेट, और अगला हम लोग कोबाल्ट हो गया तो कोबाल्ट हम लोग क्या लिखते हैं कोबाल्टेट, और अगला पॉइंट हम लोग लिखे हैं देन राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम इन रोमन डिजिट इन बिग ब्रैकेट में, हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर जब भी लिखेंगे तो बिग ब्रैकेट करके लिखेंगे, लाइक जैसे जीरो वन टू थ्री फोर एक्सेट्रा, सॉरी फोर, इतना ही फोर। तो अगला हम लोग क्या लिखेंगे, इफ टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन राइट इट नेम अल्फाबेटिकल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं FeCO5, तो इसका हम लोग किस तरह से लिखेंगे एग्जाम्पल में, इसका नाम हम लोग आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम पेंटा कार्बोनाइल आयरन, पेंटा कार्बोनाइल आयरन जीरो, क्या लिखेंगे पेंटा कार्बोनाइल आयरन जीरो, और दूसरा एग्जांपल इसी में हम लोग क्या लिखेंगे, तो दूसरा लिखेंगे K4FeCN6, तो इसका यूपीएसी नेम क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसका यूपीएसी नेम